भारत में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के खिलाफ तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो वहीं संक्रमण के मामले भी बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 2,09,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 96.91% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,08,00,000 से अधिक लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं यहां कोरोना से अब तक 1,57,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। आइए विशेषज्ञ से जानते हैं कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़े सवालों के जवाब। टीकाकरण की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन फिर भी केस क्यों बढ़ने लगे हैं? दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल कहती हैं, जिस तरह से अब सब कुछ खुल चुका है, स्कूल कॉलेज आदि भी खुल गए हैं, तो केस बढ़ना लाजमी है। इसके अलावा अब लोग कोरोना के नियमों का पालन करते करते ऊब गए हैं। कम केस होने पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, इस वजह से भी केस बढ़ रहे हैं। इसलिए वैक्सीन लग भी जाए तो भी एहतियात बरतना है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है और वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट हो गए तो क्या करें? डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल कहती हैं, सबसे ज़रूरी बात है कि साइड इफेक्ट बहुत ही कम लोगों को होते हैं, और अगर किसी को होते भी हैं तो कुछ घंटों या 1-2 दिन के लिए ही रहते हैं। बहुत ज़रूरी हुआ तो पैरासीटामोल की गोली लेने से भी आराम हो जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे वैक्सीन लगवाने से कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं और अगर वो अकेले हैं तो अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। क्या दोबारा वैक्सीन लेने की भी ज़रूरत है? डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल कहती हैं, नहीं, इस तरह की कोई गाइडलाइन अभी नहीं आई है। फिलहाल वैक्सीन की पहली डोज लगने के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगवानी है। उसके 2 हफ्ते बाद शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगी। भारत में अभी टीकाकरण दिसंबर जनवरी से शुरू हुआ है, इसलिए अभी ये पता करने में समय लगेगा कि शरीर में एंटीबॉडी कितने दिन तक रहती है और ये कितनी प्रभावी है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।